नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ वो है, जानते हैं कि 40 दिन तक सेब में धसे लौंग खाने से क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में लौंग को औषधीय गुणों की खान बताया गया है। एक अच्छी लौंग की पहचान है उसकी तीव्र खुशबू और इसका ऑयल। इसलिए जब भी लौंग खरीदें उसे दांतों तले दबाकर चेक करें, स्वाद तीखा, खुशबू तेज आ रही है कि नहीं। इस तरह से आप लौंग की गुणवत्ता जांच सकते हैं। बाजार के व्यापारी लौंग में गड़बड़ी की जाती है, खुले लौंग का तेल निकालकर उसे अच्छी लौंग में मिलाकर बेचा जाता है। इसलिए लौंग लेते समय ज़रूर चेक करें। लौंग कई रोगों में रामबाण असर करते हैं, लेकिन इसका एक उपाय खोई हुई यौन शक्ति को वापस पाने के लिए भी किया जाता है। इस उपाय का उपयोग करने के लिए आपको सेब और नींबू का एक एक फल लेना है। अब दोनों फलों में जितनी संभव हो उतनी लौंग को धसाकर लगा दें। लौंग का नीचे का पूरा हिस्सा फल के अंदर होना चाहिए। अब लौंग लगे हुए नींबू और सेब को एक हफ्ते के लिए किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ ये खराब ना हो। एक हफ्ते बाद जब आप इस फल को निकालेंगे तो लौंग चमत्कारिक रूप से बदल चुके होंगे। दोनों फलों में से लौंग निकालकर अलग अलग जार में रख दें। जब आपको इस लौंग का रोज़ाना सेवन करना है, एक दिन दो लौंग सेब वाली खाएं और दूसरे दिन नींबू वाली लौंग खाएं। आप लौंग पानी के साथ ले सकते हैं। ये लौंग 40 से 44 दिन तक खाने से आप खुद में बदलाव खुद ही देख सकेंगे। इस उपाय को करने से मर्दाना कमजोरी खत्म होती है, साथ ही खोई हुई यौन शक्ति भी वापस आ जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। किसी भी मदद अथवा सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में दिए गए गोलाकार लोगो पर आप क्लिक करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।